कौन बनेगा बिग बॉस 14 का नया कप्तान? ये सवाल का जवाब आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि कौन बना है बिग बॉस 14 का नया कप्तान। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप सभी को बता दूँ कि जो खबर बिग बॉस 14 के घर से निकल के आ रही है उसके मुताबिक राखी सावंत बनी है बिग बॉस 14 की नई कप्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तीन कंटेंडर थे कप्तान बनने के लिए, जिसमें अली गोनी और आप सभी को बता दूं जैस्मिन वसीम और राखी सावंत थी। लेकिन जो खबर सामने निकल के आई है उसके मुताबिक राखी सावंत बन गई है बिग बॉस 14 की नई और अगली कप्तान। ये खबर आप सभी को बता दूं कि अभी बिग बॉस 14 के घर से निकल के जरूर आई है, लेकिन इस खबर का पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि इस पर जो है अभी तक कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। लेकिन जो खबर हवा में उड़ के आई है यही है कि राखी सावंत जो है बन चुकी है बिग बॉस की नई और अगली कप्तान। आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस 14 की 24/7 लाइव फीडिंग भी होती है, जिससे ये खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन इस पर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकते। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि जो कैप्टनसी के कंटेंडर थे, दो दावादार थे, उसमें अली गोनी, जैस्मिन वसीम और राखी सावंत थी। अब पता नहीं कि कौन सा टास्क बिग बॉस ने दिया या फिर जो है आपसी सहमति से फैसला लेना था, लेकिन जो खबर सामने निकल के आई है वो यही है कि राखी सावंत जो है बन चुकी है बिग बॉस 14 की नई और अगली कप्तान। तो आप लोगों क्या है इस पर रिएक्शन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि राखी सावंत जो है अपना कैप्टेंसी अच्छी तरीके से निभा पाएगी या फिर नहीं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अपडेट के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।